कर्नाटक हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज का फैसला हिजाब के पक्ष में आया तो दूसरे जज का इसके खिलाफ, लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला ठीक नहीं था। ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा ने गैर जरूरी तौर पर इसे मसला बनाया, इसे बैन कराया। उन्होंने आगे कहा कि हाई कोर्ट का जजमेंट ठीक नहीं था, कंटेंट में भी वो खराब था। उन्होंने कुरान के गलत ट्रांसलेशन का इस्तेमाल किया। ओवैसी ने कुरान की एक आयत का जिक्र करते हुए कहा कि कुरान की एक आयत है लाइकारा फहीन, इसका मतलब था दिन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। वो आयत हिजाब के लिए इस्तेमाल नहीं हुई थी, वो रिलीजन के एक्सेप्टेंस में इस्तेमाल हुई थी, उसको हिजाब पर डाल दिया गया, वो गलत था। ख्याल रहे कि हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। हिजाब मामले पर दोनों जजों की राय अलग अलग है। हिजाब विवाद के मामले को चीफ जस्टिस के पास भेजा गया है। इस मामले में बड़ी बेंच के गठन का आह्वान किया गया है। फिलहाल हिजाब पर पुराना फैसला जारी रहेगा। हिजाब मामले में 22 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई थी, इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट में जस्टिस हेमंत गुप्ता ने अपना फैसला पढ़ा और कहा कि वो हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका को खारिज करते हैं। जस्टिस सुधांशु धूलिया ने मामले पर अपनी अलग राय जाहिर की। उन्होंने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया। उन्होंने सरकार की तरफ से जारी उस फैसले को भी खारिज कर दिया जिसमें शिक्षण स्थानों में हिजाब पहनने पर रोक लगाई गई थी। उन्होंने कहा कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने गलत रास्ता अपनाया और हिजाब पहनना अथवा पसंद का मामला है, इसमें कम या ज्यादा कुछ और नहीं है। दरअसल कर्नाटक हाई कोर्ट ने प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों में कक्षाओं के अंदर हिजाब पहनने पर रोक लगाई थी। 10 दिनों की मैराथन सुनवाई के बाद 22 सितंबर को जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया की पीठ ने राज्य सरकार, शिक्षकों और याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था।